धर्मराज ने बताया, सबसे बड़ा दान कौन सा है, सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक होने वाली है। ये वीडियो आपके लिए मोटिवेशनल भी है। ये वीडियो अर्थात इस वीडियो की ये बातें और कहानी आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी और सीख देकर के जाएगी। मित्रों, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है और सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। दोनों बातें बहुत ही अनमोल हैं। आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो की समाप्ति होने तक हमारे चैनल पर बने रहें और इस कहानी के लिए अर्थात इन दो ज्ञानवर्धक बातों के लिए पूरा ही सुने, क्योंकि अधूरा वीडियो को आपने छोड़ दिया। आपने पूरी तरह से वीडियो नहीं सुनी तो आपको पूरी जानकारी प्राप्त नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये दो बातें जिनके जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से अर्थात इस कहानी के माध्यम से आपको जो समझाने के लिए जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा ही सुनना, और आपने अभी तक हमारा चैनल भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, घंटी वाला बटन भी अवश्य दबा देना, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मित्रों बहुत महत्व रखता है। तो चलिए मित्रों, अब शुरू करते हैं ये कहानी और जानते हैं इन दो बातों के जवाब, दो बातों के अर्थ कि दुनिया में सबसे बड़ा दान कौन सा है और सबसे बड़ी ताकत कौन सी है। प्रिय दोस्तों, बात महाभारत के समय की है, जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। उस महाभारत के युद्ध में गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध किया गया था, और गुरु द्रोणाचार्य का छल से वध होने के कारण अश्वत्थामा जो उनका बेटा था वह बहुत क्रोध में था, और वह पांडवों को इसके लिए जिम्मेदार मानता था। वह विचार करता था कि हमारे पिताजी का जो छल से वध हुआ है इसके जिम्मेदार पांडव लोग हैं। मित्रों, पांडवों से वह अपने पिता की हत्या का बदला लेना चाहता था। वह सभी पांडवों की हत्या के उद्देश्य से एक दिन क्या होता है, एक रात उनके शिविर में जाकर के वह घुस गया। वहां एक स्थान पर उसने पांच मनुष्यों को एक साथ सोते हुए जब देखा, उन्हें पांडव समझ करके उसने उन पांचों की हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। वे पांचों और कोई नहीं थे, वे पांचों जो थे ये द्रौपदी के पुत्र थे जिसके लिए अश्वत्थामा ने मार दिया। अनजाने से हुए इस घटना से वह तिलमिला गया। उसने जाकर के दुर्योधन को बड़ी बहादुरी से इस घटना के विषय में बताया तो दोस्तों दुर्योधन के लिए भी बहुत बुरा लगा। उसने जब देखा, विचार किया कि इसने तो पांचाली के पुत्र यानी द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध कर दिया है, इसने मेरे वंश का ही नाश कर दिया है, इसलिए उसके लिए बहुत बुरा लगा। दुर्योधन ने अश्वत्थामा से कहा कि हे अश्वत्थामा, तूने बहुत बुरा किया है, तूने द्रौपदी के पांचों पुत्रों का वध किया है, अगर तेरे बारे में पांचों पांडवों को पता चल गया तो तुझे जीवित नहीं छोड़ेंगे, तेरा नामो निशान मिटा देंगे, इसलिए कहीं तेरे साथ में ऐसा अनर्थ ना हो जाए कि तू दुनिया से हमेशा के लिए चला जाए, इससे पहले तू यहां से कहीं दूर भाग जा, और नहीं तो तेरा पता भी नहीं चलेगा। इधर मित्रों क्या हुआ, पांडवों के शिविर में बहुत ही शोक संताप छाया हुआ था। द्रौपदी का विलाप हृदय विदीर्ण करने वाला था। पांचों पांडवों ने और भगवान श्री कृष्ण ने यह अनुमान लगा लिया था कि यह काम केवल द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा का ही हो सकता है। अतः सभी पांडव क्रोधित होकर के अश्वत्थामा को ढूंढने के लिए दौड़ पड़े। अश्वत्थामा को कोई आश्रय नहीं मिल रहा था तो वह भी पांडवों से बचने के लिए भाग रहा था। अंततः अर्जुन और श्री कृष्ण ने उसे घेर लिया। अश्वत्थामा के पास बहुत से दिव्यास्त्र थे, उसने अर्जुन पर ब्रह्मास्त्र चला दिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र छोड़ना तो आता था मित्रों, परंतु वापस लेना नहीं आता था। अर्जुन और श्री कृष्ण बहुत चिंतित हुए। भगवान श्री कृष्ण के परामर्श पर अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया, तब दोनों जाकर के वो शांत हुए और अर्जुन के प्राण भी बच सके थे। प्रिय दोस्तों, पांडवों ने थोड़ी देर के युद्ध के बाद अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और बांध करके शिविर में ले आया। सभी पांडव चाहते थे कि अश्वत्थामा को प्राण दंड द्रौपदी स्वयं दे और ला करके द्रौपदी के सामने पटक दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, द्रौपदी ये तुम्हारा अपराधी है जो सोते हुए की हत्या कर दे, बिना अस्त्र वाले की हत्या कर दे, बिना रथ वाले की हत्या कर दे, उसे दंड तो देना ही पड़ेगा। युधिष्ठिर भी अश्वत्थामा के दंड के लिए सहमत थे, अर्जुन भी अश्वत्थामा का सिर काटने के लिए उतावले थे, भीम बार बार गधा उठाकर गर्जन कर रहे थे। द्रौपदी ने देखा
ब्राह्मण कुमार अश्वत्थामा बंधनों में जकड़ा हुआ है और मुंह लटकाए निराश खड़ा हुआ है। द्रौपदी की आंखें उसको देख करके भर आई और द्रौपदी बोली, तुम किन्हें बांध करके लाए हो स्वामी? ये तो पुत्र रूप में गुरु द्रोण हैं। गुरु द्रोण से तुमने अनेकों तरह की विद्याएं सीखी हैं। उन्हीं के कारण आज तुम सब विश्व विख्यात योद्धा कहलाए हो। इनके बंधन को खोल दो। मैं भी एक माँ हूँ और साध्वी कृपी इनकी माँ है। ये अपनी माँ के इकलौते पुत्र है। साध्वी कृपी चाहती तो गुरु द्रोण के साथ सती हो सकती थी, परंतु पुत्र को सहारा मानकर पुत्र की ममता में वह जीवित रही। जैसे मुझे अपने पुत्रों के जाने से अपार दुख है, मैं नहीं चाहती हूँ माता कृपी भी उसी तरह दुख के सागर में डूब जाए। इनकी हत्या के बाद भी मेरे पुत्र तो जीवित नहीं हो सकेंगे, इसलिए इन्हें छोड़ दीजिए। दोस्तों, अश्वत्थामा अमर है इस बात को भगवान श्री कृष्ण जानते थे, परंतु कुछ तो दंड देना आवश्यक था। इसलिए अश्वत्थामा के मस्तक में एक बहुमूल्य मणि थी, जिससे उसका शौर्य एवं तेज झलकता रहता था। श्री कृष्ण ने वह मणि निकाल ली और सीमा से उसको बाहर कर दिया। प्रिय दोस्तों, द्रौपदी ने 5 पुत्र खोकर भी जो क्षमादान का महान आदर्श प्रस्तुत किया, वह विलक्षण अद्भुत एवं सदैव स्मरणीय है। इसलिए कहते हैं कि दुनिया में अगर सबसे बड़ा दान है तो क्षमादान है। क्षमा के बराबर इस दुनिया में कोई दूसरा दान नहीं है। आप अपनी जिंदगी में कितनी भी दौलत लुटा दो, कितने भी भंडारे करा दो, कितनी भी धर्मशालाएं बनवा दो, लेकिन वो दान इतना महत्व नहीं रखता है। दान तो सबसे बड़ा क्षमा दान ही है, जिसका सबसे बड़ा महत्व इस दुनिया में माना गया है। मित्रों, कहते हैं मनु स्मृति के अनुसार धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। इन 10 लक्षणों में क्षमा दूसरे स्थान पर आया है। जैसे धृति क्षमा दमो अस्तेयम शौच मिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो 10 धर्म लक्षण। क्षमा शब्द का अर्थ क्षमता भी होता है मित्रों। शक्ति संपन्न और समता से युक्त होने पर भी उपकार करने वाले को क्षमा करना ही क्षमा कहलाता है। निर्बल और असक्त व्यक्ति भला दूसरे को क्या क्षमा कर सकता है? क्षमा का अर्थ पृथ्वी अर्थात धरती और वृक्ष भी होता है। धरती सभी प्रकार के मनुष्यों, अच्छे बुरे, सज्जन दुष्ट, धर्मी अधर्मी आदि का भार सहन करती है, इसी कारण उसे क्षमा कहा गया है। इसी प्रकार वृक्ष भी सर्दी गर्मी वर्षा को सहन करते हुए बिना किसी भेदभाव के छाया और अपने स्वादिष्ट फल देकर पथिक को आराम देते हैं, पर हित में अपना पूरा जीवन अर्पण कर देते हैं। इन्हीं गुणों के कारण वृक्ष को भी क्षमा कहना सार्थक है। क्रोध का कारण होने पर भी क्रोध उत्पन्न ना होने देना, सहनशीलता बनाए रखना ही क्षमा है। हिंसा से हिंसा और क्रोध से क्रोध बढ़ता है तथा प्रतिशोध की भावना भी निरंतर बढ़ती जाती है, और इस प्रकार समाज में द्वेष, ईर्ष्या और अशांति का वातावरण बनता है। समाज से अशांति और भय का वातावरण मिटाने हेतु क्षमा को धारण करना अति आवश्यक है। मित्रों, क्षमा का विरोधी है क्रोध, और ये क्रोध दूसरे का कम बल्कि अपनी हानि अधिक करता है। क्रोध पर विजय और क्षमा की प्रतिष्ठा होना सामान्य बात नहीं है। भारतीय संस्कृति क्षमाशील ऋषि महर्षियों तथा राज ऋषियों की गाथा से भरी पड़ी है। महाराज युधिष्ठिर साक्षात क्षमा की मूर्ति थे, जिन्हें हम धर्मराज कहते हैं। बात उस समय की है कि जब पांडव वनवास काल में अपार कष्ट भोग रहे थे, सभी तो दुर्योधन के प्रति अत्यंत कुपित थे, किंतु महाराज युधिष्ठिर को तनिक भी क्रोध नहीं हुआ। भाइयों ने तथा द्रौपदी ने भी उनको दंड नीति का आश्रय लेने के लिए बार बार कहा, किंतु महाराज युधिष्ठिर ने क्षमा को ही सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा बल बताया है। कहने का मतलब है, धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरे भाई, तुम समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तुम कहते हो मैं वही करूं, अरे तुम नहीं जानते हो, इस दुनिया में सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा बल अर्थात सबसे बड़ी ताकत है, वो क्षमा है। इसलिए तुम मेरी बात को समझने की कोशिश करो। मित्रों, उन्होंने द्रौपदी से भी कहा है कि हे देवी, क्रोध ही मनुष्य को मारने वाला है, और यदि क्रोध जीत लिया जाए तो उसे हराने वाला इस दुनिया में कोई नहीं है। इसलिए आप लोग समझने की कोशिश करें, अगर दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ा बल है, सबसे बड़ा धर्म है, तो वो क्षमा है, और सबसे बड़ा अगर दान है तो वो क्षमा दान है। मित्रों, अब तो आप जान ही गए होंगे कि धर्मराज युधिष्ठिर ने बताया था कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है तो वो है क्षमा, और सबसे बड़ा दान है तो वो भी क्षमा है। इसके बराबर ना तो कोई दान है और ना कोई ताकत है, ना कोई बल है और ना कोई धर्म है। मित्रों, यही थी कहानी महाभारत की, द्रौपदी अर्थात 5 पांडवों की, जिनके समान ना तो किसी के पास में बल था, ना किसी के पास में इतनी बड़ी ताकत थी,
न किसी के पास में इतनी बड़ी क्षमा थी। क्षमा के दान से ही पांडवों को विजय मिली और वे विश्व विख्यात हो गए। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी वीडियो, कैसी लगी हमारी ये कहानी महाभारत की, जो हमने इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाई है। अगर आपको ये वीडियो, ये महाभारत का आख्यान आपको अच्छा लगा है, तो आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हमको राय जरूर देना, और हो सके तो अपने मित्रों के लिए थोड़ा शेयर कर देना। अब क्षमा चाहते हैं, फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में किसी और कहानी की चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।